तो यार अपने चैनल की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि आर रेटेड कंटेंट डालूंगा तो तुम लोग दबा के रिस्पॉन्स देते हो, बाकी नॉर्मल सुपर हीरो वीडियो डालूंगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को कि चैनल पे चल क्या रहा है। नौड़ी गाजियाबाद। फिलहाल आज बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के ट्रेलर से रिलेटेड कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में, जो कि मैंने नोटिस करी 0.25x स्पीड पर देखने के बाद। लेकिन मारो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जिनको देखने के बाद हमें मूवी का बेसिक प्लॉट जो है वो समझ में आ जाता है और कुछ कुछ सीन्स भी क्लियरली समझ में आ जाते हैं कि इस सीन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो बस एंड तक बने रहना। अब हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग सीन के अंदर ही एक बड़ी सी बर्ड जो कि आग से बनी हुई होती है वो फ्लाई करते हुए दिखाई जाती है। तो तुम लोगों ने सोचा होगा कि ये कैरेक्टर कौन सा है। तो देखो यार, मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ये पावर शिवा की ही है, क्योंकि ट्रेलर के एकदम एंड में केवल एक या दो फ्रेम के लिए ये सीन दिखाया गया है, जहाँ पे तुम देखोगे तो शिवा पावर अप ले रहा है और उसके बैकग्राउंड में कुछ फेदर टाइप की एनर्जी निकल रही है। तो ये फेदर टाइप की एनर्जी शायद उसी पक्षी की ही हो जो कि हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। नंबर टू, इस ट्रेलर को बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला ये जो मौनी रॉय का कैरेक्टर यानी कि विलन, इसे ब्रह्मास्त्र एट द एंड ऑफ द मूवी मिल जाएगा और वो उसे मोस्ट प्रोबेबली यूज कर भी लेगी, जिसके बाद हीरोज मौनी रॉय को हराएंगे। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, तुम ट्रेलर के इस सीन से नोटिस कर सकते हो जहाँ पे कोई एक कैरेक्टर जिसका सिर्फ हाथ दिख रहा है वो ब्रह्मास्त्र के तीनों पीसेस को इकट्ठा करता है और उसकी पावर को अनलॉक करता है, जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट ऑफ सीन दिखता है, उसके बाद स्काई पूरा येलो हो जाता है। अब खैर इस हाथ पे ध्यान दो, सबसे पहले तो उसके नेल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो ये शौक लड़कों को नहीं होते, तो फिलहाल ये हाथ जो है वो सिर्फ एक लड़की का ही है। उसके अलावा अगर तुम दूसरे हाथ पे गौर करोगे तो उस पे कुछ टैटूज बने हुए हैं, यानी कि स्टार टाइप में, ब्लैक स्टार में। और वहीं तुम मौनी रॉय का एक और सीन देखोगे जहाँ पे वो अपने सोल्जर्स के साथ बात कर रही होती है, तो उसके गले में भी ऐसे ही सेम टैटू बनाए हुए हैं। तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस मूवी के एंड में मौनी रॉय को ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। नंबर थ्री, अब इस सीन के अंदर जहाँ नागार्जुन सर एक पिलर पर अटैक करते हैं अपने नंदी अस्त्र से, इस सीन के अंदर काफी सारी डिटेल्स है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये जो पिलर है जिस पर नंदी अस्त्र को यूज किया जा रहा है नागार्जुन सर के द्वारा, जब ट्रेलर के अंदर आगे 20 से 30 सेकंड आगे सेम सीन ऐसा ही दिखाया जाता है, तो उसके अंदर तुम उस डैमेज्ड पिलर को देख सकते हो ठीक यहाँ पे। नंबर फोर, अब इसी सीन के बैकग्राउंड में तुम उस बंदे को देख सकते हो जो कि ट्रेलर में हमें एक बैल जैसे स्पिरिट निकालते हुए दिखा, लेकिन नेगेटिव पावर में, यानी कि वो जो रेड कलर का बैल का स्पिरिट निकालता है वो बैकग्राउंड में यहाँ पे खड़ा है, तुम लोग देख सकते हो, और सामने साइड मौनी रॉय की कैरेक्टर खड़ी है। तो हो सकता है इन दोनों ने मिलकर शिवा, ईशा और नागार्जुन सर के कैरेक्टर को पकड़ लिया यहाँ पे, यानी कि दोनों तरफ से घेर लिया है, जिससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये सीन जो है मोस्ट प्रोबेबली इंटरवल के टाइम का होगा, इंटरवल से थोड़ा पहले या इंटरवल के बाद का, और यहाँ पे मूवी का एक मेजर फाइट सीन हमें दिखाया जा सकता है। नंबर फाइव, अब अगर तुम यहाँ पे शिवा के कैरेक्टर को देखोगे तो वो नागार्जुन सर के कैरेक्टर के पीछे खड़ा हुआ है, मतलब इस पॉइंट तक शिवा अपने पावर्स को जानता है कि वो आग को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एज अ वेपन उसे कैसे यूज करना है अभी तक उसको किसी चीज का भी आइडिया नहीं है। इसकी वजह से वो नागार्जुन सर के पीछे खड़ा हुआ है और नागार्जुन सर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नंबर सिक्स, अब ये डिटेल भी इसी सेम सीन से है और शायद ये लास्ट डिटेल है इस सीन की जहाँ तक मैंने नोटिस किया। तो अगर तुम शिवा और ईशा के कैरेक्टर को देखोगे तो इन दोनों ने सेम वही कपड़ा पहन रखा है जो कि इससे ठीक पहले शिवा और ईशा की कॉन्वर्सेशन के बीच में उन दोनों ने पहना था, जहाँ पे शिवा उसे बताता है आग से उसका कुछ पुराना रिश्ता है। तो मोस्ट प्रोबेबली शिवा और ईशा को ज्यादा टाइम हुआ नहीं होगा मिले, जहाँ पर शिवा उसे अपनी पावर्स के बारे में बताता है। इसके बाद थोड़े ही टाइम बाद मूवी के अंदर शिवा जो है मौनी रॉय और नागार्जुन सर के कैरेक्टर से मिलेगा। नंबर सेवन, अब ट्रेलर को लगभग 69 बार देखने के बाद मेरे को ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इस मूवी के अंदर टाइम जंप दिखाया जाएगा, जहाँ पे सबसे पहला SRK वाला मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है, ये शायद ओरिजिनल और पहला अवतार होगा भगवान शिव का, जिसके बाद इसके एंसेस्टर्स को अस्त्र की पावर और उन्हें वील्ड करने की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती गई और जनरेशन बाय जनरेशन अब वो शिवा और मौनी रॉय के कैरेक्टर के पास है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी रीजन है, जो डिटेल्स नोटिस करी वो बताता हूँ। सबसे पहले तो अपनी हिंदू माइथोलॉजी के अंदर लॉर्ड शिवा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनकी भलाई के लिए जाना जाता है, वो बहुत जल्दी खुश हुआ करते थे, तो उनकी भलाई यानी कि अच्छाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनके त्रिशूल से, जिसको मूवी के एंड में शिवा यूज करेगा, यानी कि एक अच्छा कैरेक्टर अच्छाई के लिए। वहीं इनके गले में एक पेंडेंट भी तुम लोग देख सकते हो जो कि बुराई को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मौनी रॉय यूज करती है अपने गुंडों को कंट्रोल करने के लिए और इसी से उन्हें पावर भी मिलती है। तो शायद यही वो सबसे पहला लॉर्ड शिवा का अवतार था, जिसकी वजह से मूवी में आगे जाके दो पार्ट बने, एक अच्छाई और एक बुराई, और एंसेस्टर बाय एंसेस्टर उनको पावर्स पास ऑन होती गई। और ट्रेलर के अंदर एक ऐसा भी सीन है जहाँ तुम लोग 6-7 लोगों को खड़े हुए देख सकते हो एक साथ, तो जैसे ये लोग खड़े हैं मतलब ये लोग कोई थ्रेट का सामना करने वाले हैं, और इनके कपड़ों से देख के ऐसा ही लगता है कि शायद ये टाइम होगा 70s और 80s के बीच का। आई मीन सब लोगों ने नॉर्मल इंडियन कपड़े पहन रखे हैं जो कि इस टाइम के अंदर शायद ही कोई पहनता हो, तो शायद ये जनरेशन शिवा वाले जनरेशन के ठीक पहले वाली जनरेशन।
जनरेशन हो, और इस जनरेशन के अंदर जितने भी बंदे जिनके पास पावर्स है वो तो 3-पीस सूट पहन के खड़े हुए, तुम लोगों ने इस सीन के अंदर नोटिस किया ही होगा। नंबर 8, अब ये सेम सीन के अंदर एक और डिटेल जो मैंने नोटिस करी, यानी कि जो ये 3-पीस वाले सूट के साथ कुछ लोग अपने पावर्स को यूज कर रहे हैं, तुम यहाँ साइड में नीचे देखोगे तो तुम्हें 2 फोटोग्राफ्स दिखेंगे, आई मीन जो फ्रेम में लगा के रखते हैं। अपने इंडिया में ऐसी पूजा की जाती है भगवानों की, जहाँ हम लोग फोटो रख के उनको वर्शिप करते हैं, तो शायद ये लोग किसी ना किसी को यहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग ब्रह्मास्त्र को सेफ रखने के लिए कोई ट्रेडिशन अपना रहे हैं। नंबर 9, अब यहाँ पे ट्रेलर के अंदर हमें कुछ शॉट्स में ऐसा देखने को मिला है कि ये कुछ विलेज टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे अमिताभ बच्चन और कुछ स्पेशल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इन पूरे स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यूजुअली यहाँ पे अटैक्स होते रहते हैं, क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे काफी सारे वॉच टावर्स बने हुए हैं, और ये वॉच टावर्स एक ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तुमने अगर गेम्स खेले और पॉप कल्चर मूवीज के फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि ऐसा तभी किया जाता है जब बहुत ज्यादा अटैक होता है उस जगह पे, और ट्रेलर के अंदर 2-3 शॉट्स में हमें इसी जगह पे अटैक होता हुआ दिखता भी है, जहाँ पे कुछ यंगस्टर्स अपनी पावर्स को यूज करके इनको रोकते हुए दिखे थे। सबसे पहले ये नाग अस्त्र वाला धनुष चलाते हुए, वहीं एक वायु की पावर को कंट्रोल कर रहा था, वहीं एक लड़की शील्ड की पावर को यूज कर रही थी जिसमें से हाथी जैसा फिगर बन के निकलता है। नंबर 10, इस लॉकेट को ध्यान से देखो, थ्रू आउट द ट्रेलर तुमने इसको बहुत जगह पे नोटिस किया होगा। सबसे पहले तो इस मिस्टीरियस कैरेक्टर ने खुद इस लॉकेट को पहन रखा है, उसके बाद मोनी रॉय ने भी अपने सारे सोल्जर्स को ये लॉकेट दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस लॉकेट के थ्रू वो उन सबको कंट्रोल कर पाती है, यानी कि माइंड मैनिपुलेट कर पाती है। एंड इसी ट्रेलर के एक सीन में तुम शिवा के गले में भी यही पेंडेंट देख सकते हो, तो होपफुली हमें मूवी के अंदर ऐसा दिखाया जाएगा कि मोनी रॉय जो है वो शिवा को भी कंट्रोल करना चाहती है और पेंडेंट डाल देती है उसके गले में, लेकिन शिवा उसको ओवरपावर कर जाता है। अब क्यों कर जाता है तो तुमने ट्रेलर देखने के बाद पता चल ही गया होगा। आगे जाके ट्रेलर में जब कुछ गुंडे यानी कि मोनी रॉय वाले जो बंदे रहते हैं वो उस विलेज पे अटैक करते हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन और कुछ खास विलेजर्स रह रहे हैं, तो उनके गले में भी तुम यही पेंडेंट देख सकते हो, जहाँ ये फाइट रात के टाइम हो रही है और उनके गले में जो है रेड कलर का लाइट ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब उन लोगों ने हमें पेंडेंट पहन रखा है। आगे जाके एंड तरफ जब शिवा कुछ एनिमीज से फाइट करता है तो उनके गले में भी यही रेड पेंडेंट होता है, और वो इसी पेंडेंट को टारगेट करता है। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हो, वो पेंडेंट को उनके गले से अलग कर देता है, जिसका मतलब साफ है कि यही पेंडेंट उनको कंट्रोल कर रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर कुछ इंटरेस्टिंग या नई डिटेल पता चले उस वीडियो के थ्रू तो वीडियो का लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसे ही अमेजिंग डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, चैनल के बिहाइंड द सीन जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो टिल देन गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।